ओम शांति। 12/3/2024 मधुर संतान गण, डेड साइलेंस अर्थात संपूर्ण नीरवता को अनुभव करिवार अभ्यास कर। जदि तुमर बुद्धि बाबा निकट रहिब तबे बाबा मध्य तुमको अशरीर हेबा पाई शक्तिशाली किरण देवे। प्रश्न, तुम मानको जेतेबेले ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि सेतेबेले तुमको क्यों साक्षात्कार होइछि? उत्तर, सत्ययुग आरंभरु कलियुगर अंत पर्यंत आमे किभळी पाठ करि आसिछु एसबु साक्षात्कार होइ जाउछि। तुमे सारा विश्व को आदिरु अंत पर्यंत जानि जाउछ, एही जानिबाको ही साक्षात्कार कहा जाउछि। एबे तुमे माने जानिछ जे आमे पूर्वरु दैवी गुणधारी देवता थिलु, पुणि आसुरी गुणधारी हेलु, एबे पुणि दैवी गुणधारी देवता हेबाको जाउछु। एबे आमे नुवा दुनिया नुवा घरको जिबु। ओम शांति। पिला माने जोगर यात्रा रे बसिछंती, बेहतर बाबा त ही यात्रा रे बसंती नाही, से त पिला मानको शक्तिर किरण देउछंती अर्थात ए शरीर को भूली जाउछि। पिला माने निजर शरीर को केमिति ममत्व तुटाइबे सेथे पई बाबा सहयोग करुछंती, से आत्मा मानको ही शक्तिर किरण देउछंती, आत्मा मानको ही देखुछंती। एबे तुम्हें समस्तंकर बुद्धि बाबांक निकट को चली जाउछि, पुणि बाबांकर बुद्धि अथवा दृष्टि मध्य पिलामानक आड़को चली जाउछि, एथिरे फरक अछि ना? तुम्हें एबे संपूर्ण नीरवता को जीवार अभ्यास करुछ अर्थात शरीर अलगा हेबाको जाउछ। एबे आत्मा बुझे जाउछे जे जेते जेते आमे बाबांको मने पकाइबा सेते सेते ई शरीररु बाहरी परिबा। जेमिति सर्पर उदाहरण देइछंती, तेणु जहार उदाहरण दिया जाए तार निश्चित किछि विशेष गुण थाए। तुमे जानिछ आमे ई शरीर त्याग करि घर को चली जिबा, पुणि एठाकु आसिबा, एकथा अन्य केहि जानि नाहंती। एही ड्रामा को मध्य केही जानि नाहंती। जोग द्वारा विक्रम विनाश सेवार प्रतिश्रुति केही हेले देउ नाहंती, किंबा एही भली किछि कथा सुनाउ नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ एबे आमको घर को फेरिबा को हेबो, आत्मार बुद्धि जोग वर्तमान परम धाम आडको रहिछि। एबे नाटक पूरा हेबा को जाउछि, एबे घर को फेरिबा को हेबो, सेथि पई बाबा को ही मने पकाइबा को हेबो। से ही पतित पावन अटंती, गंगा पानी को तो मुक्तिदाता किंबा गाइड बा पथ प्रदर्शक कुआ जीवो नाही। एकमात्र बाबा ही मुक्तिदाता एवं पथ प्रदर्शक होई परिबे, एहा मध्य बुझिबार एवं बुझाइबार एक गुरुत्वपूर्ण विषय। गंगा रे स्नान करिबा तो भक्ति अटे, ता द्वारा कौनसी कल्याण हेबो नाही। पिला माने जानिछंती पानी रे स्नान करा जाय, पानी केबे हेले पावन करि परिबो नाही। एमिति बि नुहे जे भावनार फल मिलिजिव, भक्ति मार्ग रे से सबुर महत्व रखा जायछि, एहा कोई अंधश्रद्धा कहा जाए। तेणु एही बळी अंधविश्वास थिबा कारणरु अंधर संतान मध्य बोली उपाधि मिलुछि। एहा भगवान वासना, केबे भी अंध किए भल एहा तो तुमे माने जानिछ। एबे तुमे सारा सृष्टि आदि मध्य अंतर ज्ञान बाबांक द्वारा जानुछ, तुम्हें बाबा को जानी गलणी, सेथिपाई सृष्टि आदि मध्य अंतर ज्ञान एवं तार अवधि को मध्य जानी गलणी। तबे गोटे गोटे कथा ऊपर विचार सागर मंथन करी निजे निजर निष्पत्ति करिबा को हेबो। भक्ति एवं ज्ञान रो प्रभेद रहिछे ना, ज्ञान होचे संपूर्ण अलगा जिनिस, एही ज्ञान ही प्रसिद्ध अटे। एहा होचे राज्यकर पाठपढ़ा। पिला माने एकथा मध्य जानिछंती जे देवता माने संपूर्ण निर्विकारी थिले, रचयिता बाबा मध्य आसी निजर परिचय देउछंती, से होउछंती परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहा जाए, इंग्रजी रे ताकू सुप्रीम सोल कहा जाए। सोल अर्थात आत्मा, बाबांकर आत्मा कौनसी बड़ होई न थाए, जेपरी तुम मानकर आत्मा सेपरी बाबांकर आत्मा। एमिति नुहे जे तुम्हें माने आत्मा छोट एवं पिला मानकर बड़ ना, से ही परमपिता ज्ञान रो सागर तुम मानको बहुत स्नेहर सहित बुझाई देउछंती। अभिनय तो आत्मा करुछि, तेबे सिए निश्चित शरीर धारण करि अभिनय करिब। आत्मा रहिबार स्थान होचि शांतिधाम। पिला माने जानिछंती आत्मा माने ब्रह्म तत्व रे रहिथांती। जेपरि हिंदुस्तान रे रहुथिबा मनुष्य निजको हिंदू कहउछंती, सेपरि ब्राह्मण ब्रह्मांड रे रहुथिबा आत्मा माने ब्रह्म को ईश्वर बोली कहि देउछंती।
तेबे ड्रामा रे निम्नगामी हेबार उपाय मध्य निर्धारित होई रही छि। चाहे केही केते भी परिश्रम करुछि घर को त जाई परिबो नाही। नाटक जेतेबेले शेष हुए सब अभिनेता माने आसी एकाठी होंती। निर्देशक मुख्य अभिनेता मध्य सामना को आसंती। पिला माने जानिछंती एबे ही विदेश रा नाटक शेष हेबा को जाउछि। ए सब कथा कोनसे साधु संत माने जानि परिबे नाही, कारण आत्मार ज्ञान कहा पाखरे नाही। परमात्मा पिता एठा को थरे मात्र आसुछंती, बाकी अन्य समस्तंकु तो एठारे ही अभिनय करबा को पडुछि। वृद्धि तो होई चलेछि ना, तेबे आत्मा माने केउ ठारु आसिले? जदि केही मझिरु परमधाम घर को फेरी जाउ पारुथांता तेबे ताहा तो एक परंपरा होई जानता। जे जणे आसिबो पुणी अन्य जणे केबे, तेबे एहा को पुनर्जन्म बोले कुहा जाय पारिबो नाही। पुनर्जन्म तो आरंभरु चली आसुछि। प्रथम नंबर हेउछंती एई लक्ष्मीनारायण बाबा बुझाउछंती पुनर्जन्म नै नै जेतेबेले शेष समय आसी पहुँचुछंती पुणी सेमानको प्रथम नंबर आसिबाकु पडुछि। तेबे एथिरे कौनसी संसार कथा न थाए। एक कथा आत्मा मानकर पिता निजे आसी बुझाउछंती, तेबे से कौन बुझाउछंती से निजर मध्य परिचय देउछंती। आगरु तुम्हें कौन जानिथिले जे परमात्मा की प्रकार जिनिस? केवल शिवंकर मंदिर को जाउथिले, एठारे तो अनेक मंदिर रहिछि। सत्य जुगरे तो मंदिर किंबा पूजा इत्यादि किछि हुए नाही। सेठारे तुम्हें पूज्य देवी देवता होछ, पुणि अधाकल्पुरे पूजारी होछ, तेणु तुमको आउ देवी देवता बोली कहा जाउ नाही। पुणि बाबा से पूज्य करुछंती, कथा अन्य कौनसी देशरे गायन नाही। राम राज्य कौन, रावण राज्य कौन, एसब कथा तुम्हें एबे बुझी गलणी, तेणु तुमको राम राज्य अवधि केते ता सिद्ध करी अन्य मानक कहिबा दरकार। एहा होछ एक नाटक, एहाकु बुझिबार अछि। सबुठार उच्च हेउछन्ति बाबा, से ही ज्ञान रो सागर अटंती। आमे तांक द्वारा उच्च उच्च हेउछु एवं आमको पद मध्य उच्च उच्च मिलुछि। बाबा आमको पढ़ाउछन्ति, तेणु दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेब। पिला माने मध्य वर्णना करुछन्ति, आपण एपरि अछन अटंती, आमे एपरि अटु। वर्तमान समय रे तुमे जानुछ जे आम को यांक माने बाबांक परि ब्रह्मांक परि संपूर्ण निर्विकारी हेबाकु पडिबो। एथिपाई बाबा को मन पकाइबा छड़ा आउ कौनसी उपाय नाही। जदि निर्विकारी हेपार उपाय केही जानछंती तेबे कुहंतु, एमिति कौन कुहाजिबो जे ब्रह्म अथवा तत्व निर्विकारी अटे ना आत्मा ही निर्विकारी हेउछि? ब्रह्म अथवा तत्व को आत्मा कुहाजाए नाही, एहा तो रहिबार स्थान। पिलामानंकु बुझा जाउछि जे आत्मा रहि बुद्धि रहिछि, से जेतेबेले तम प्रधान होइजिबो सेतेबेले बुद्धिहीन होइ जाउछि। बुद्धिवान एवं बुद्धिहीन कुहा जाए। वर्तमान तुमर बुद्धि केते स्वच्छ होची पुणि म्लेच्छ होइजिब। वर्तमान तुमको पवित्र एवं अपवित्रतार प्रभेद मध्य जणा पडुची। अपवित्र आत्मा घर को जाई परिबो नाही, तेणु अपवित्र को पवित्र करिबा हेबो। सेथिपाई उच्च स्वरे डाकी चालिछंती, एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित। एबे तुमे जानिछ एहा उचित संगम जुग। बाबा घर को नै जिबा पाई कल्परे थरे मात्र आसंती, समस्त नुआ दुनिया को जाउ नहंती। जो मानकर सत्य युग रे कोनसे अभिनय नहीं से माने शांति धाम रे रहउछंती। सेथे पई चित्र मध्ये दर्शा जाई छी, बाकी अन्य जो चित्र आदि सब अछि से सब होछि भक्ति मार्गर। एही चित्र होछि ज्ञान मार्गर, जेउठी बुझा जाउछि सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि, आमे तळ को किपरि आसुछु, 14 कळारु 12 कळा किपरि होछु, वर्तमान समय रे कहा भितरे मध्ये किछि कळा नाही। क्रमानुसार त समस्त अछंती, अभिनेता मध्य क्रमानुसार रहिथांती। कहार दरमा 1000 टंका तो आउ कहार 1500, पुणी आउ कहार 100 टंका तो केतेबेले फरक होइथा ना। सेइबेले पाठ पढ़ारे मध्य राति दिनर फरक रहिछि। दुनिया रा विद्यालय रे जदि केही फेल होइ जाउछंती तेबे तांको पुणी थारे पढ़ी को पढ़ुछि, किंतु एठारे त पुणी थारे पढ़िवार कथा ही नाही। पद ही कम होइ जाय थाए, तेणु केबे पाठ पढ़ा हेबो नाही, कारण एठारे थरे मात्र पढ़ा जाय थाए। बाबा मध्य थरे मात्र आसंती। पिला माने मध्य जानिछंती प्रथम प्रथम गोटे राजधानी थिला। एक कथा जदि तुम्हें काहा को बुझाइबो तेबे से मानिबे। ख्रिस्टियन माने विज्ञान रे बहुत आगुआ अटंती, तांक ठारु ही समस्त शिखिछंती। सेमानंकर एते पारस बुद्धि हेउछि ना पत्थर बुद्धि हेउछि।
वर्तमान समय से मानकर बुद्धि बहुत चमत्कार करुची। विज्ञान समस्त प्रचार ए ख्रीस्टियन मानक द्वारा ही हेउची, ताहा भी मध्य सुख पई ही हेउची। तुम्हें जानिछ ए पुरुणा दुनिया रा विनाश त निश्चित हेबो, पुणि तुम्हें माने शांति धाम सुख धाम को चली जीव। विज्ञान द्वारा ही विनाश हेब, नचेत एबे ए सब मनुष्य आत्मा किपरि घर को फेरिबे। सबु आत्मा शरीर त्याग करी घर को चली जीवे। एही विनाश भितरे मुक्ति अंतर्निहित होई रहिछि। अधा कल्प हेब मुक्ति पाई करिबा पाई परिश्रम करी आसिछन्ति ना। तेबे विज्ञान द्वारा एवं प्राकृतिक विपर्य द्वारा जहाँ प्रकृतिर तांड बोली कहुवाजाए, यह मध्य हेबा दरकार। बुझी जीवा दरकार जे एही लढ़े मुक्ति धाम को नै जिया पाई निमित्त होइछि। कारण असंख्य आत्मा को मुक्ति धाम को जीवाक हेब। तुम्हें चाहे केबे भी परिश्रम कर, तेबे गुरु कर हट योग सिख, किंतु केही हेले बे मुक्ति धाम को जाई परिबे नाही। एते सब बोमा आदि तयारी होई छी, तेणु यह बुझीबा दरकार जे विनाश निश्चित हेब। नुआ दुनिया त अल्प संख्या रहिबे, बाकी अन्य समस्त मुक्ति धाम को चली जिबे। तुम्हें माने जीवन मुक्ति को एही पाठ पढ़ा आधार आसुछ। तुम्हें सेठारे अटल अचल अखंड राज्य करुछ। एठारे देख सब राष्ट्र भाग भाग हो जाएछि, किंतु बाबा तुमको अटल अखंड अर्थात सारा विश्व राजधानी रा मालिक करि देउछन्ति। बेहद बाबांकर संपत्ति हला बेहद राजधानी। तेबे एही संपत्ति केबे एवं किए देले एकथा कहार बुद्धि रे मध्य आसु नाही। एकथा केवल तुम्हें माने ही जानिछ। ज्ञान रा तृतीय नेत्र आत्मा को ही मिलछि। आत्मा ही ज्ञान स्वरूप हेउछि, ताहा मध्य ज्ञान रा सागर बाबांकर द्वारा ही हेउछि। बाबा ही आशय रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत ज्ञान देउछन्ति। यह मध्य गोटे सेकेंड र कथा, तुमको गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिलुछि, बाकी अन्य समस्त को मुक्ति मिलुछि। एई भली ड्रामा तयारी होइछि। विशेष रावण रा बंधन रु समस्ते मुक्त हो जाउछन्ति। दुनिया रे मनुष्य विश्व रे शांति आनिबा पई केते परिश्रम करुछन्ति, यहा केवल तुम्हें पिला माने ही जानिछ जे सारा विश्व रे तथा ब्रह्मांड रे शांति केबे होइथाय। प्रथमे ब्रह्मांड रे शांति मिलिथाय, पुणि विश्व रे शांति एवं सुख उभय मिलिथाय। विश्व अलगा एवं ब्रह्मांड अलगा, चंद्र तारका ठारे उद्धरे ब्रह्मांड रहिछि। एठारे त सब किछि होइ एसबु किछि होइ नथाय, सेठारे एसबु किछि होइ नथाय। ताकु साइलेंस वर्ल्ड बा नीरवतार दुनिया बोली कुहा जाय। समस्ते शरीर त्याग करे नीरवतार दुनिया को चली जिबे। तुम्हें माने कर ए दुनिया मध्य मने अछि। वर्तमान तुम्हें सेठा को जिबार प्रस्तुत करुछ, एक कथा अन्य केही जानि नहंती। तुमको बाबा प्रस्तुत कराउछन्ति, बाकी ए लड़ाई त कल्याणकारी अटे। कारण समस्त हिसाब किताब तो चुक्त हो समस्ते पवित्र हो जाए। योग अग्नि अटे ना, अग्नि द्वारा प्रत्येक जिनिष पवित्र हो जाए। जेपरि बाबा ड्रामा रे आदि मध्य अंत को जानिछन्ति, सेहिपरि तुम अभिनेता मानक मध्य ड्रामा रे आदि मध्य अंत को जानिबाको हेबो। जानिबाको ही साक्षात्कार कहा जाए। एबे तुमर ज्ञान तृतीय नेत्र खोलिछि। वास्तव रे आमे सारा विश्व को अर्थात सत्य युग आरंभ रु कलि युग शेष पर्यंत सब किछि जानि गलुनि। एक कथा अन्य कौनसे मनुष्य जानि नहंती। तुम्हें जानिछ जे माने दैव्य गुण धारी देवता थिले, सेही माने असुर गुण धारी मनुष्य होई जाइछन्ति। पुणि बाबा असे दैव्य गुण धारी देवता करुछन्ति। बाबा पतित मानक पवित्र करिया पय आछन्ति। दुनिया रे आउ कहा को जणा नाही। एही सब देवी देवता कुलरत आत्मा माने ही चौरासन्म देउछन्ति। एमाने ही पवित्र पुणि पतित हेउछन्ति, ए कथा कहा बुद्धि रे नाही। एबे तुमे जानिछ ए सब त हेउछि जड़ चित्र, तांकर सठिक चित्र त आंकी पारिबे नाही। सेमानंकर प्राकृतिक सौंदर्य थिला, सेठारे प्रकृति मध्य पवित्र, तेणु शरीर मध्य पवित्र होइथाय। सेठारे तो सब किछि अपवित्र, एभळी रंग बेरंग दुनिया सत्य युगरे हेबो नाही। श्रीकृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाए। सत्य युगरे से सुंदर हेउछन्ति, पुणि कलि युगरे श्याम हेउछन्ति। से सत्य युग कलि युग किपरि आसुछन्ति,
तुमको प्रथम नंबर आत्मा श्रीकृष्ण सहित समस्त जीवन कहानी जना अच्छी। श्रीकृष्ण तो गर्भर जन्म ने नाम रखाला तेज नाम तो निश्चित आवश्यक ना। तेणु तुम्हें कह श्रीकृष्ण का आत्मा प्रथम सुंदर अर्थात पवित्र थेला, पुणी श्याम अर्थात पतित है। तेणु से श्याम सुंदर कह जाए। तुमको एवं तांकर जन्मपत्री मिल जाएगी अर्थात सारा चक्र जन्मपत्री मिल जाएगी। यह केते रहस्यमय अटे जहाँ को तुम्हें माने ही जानी छो अन्य के जानी नहंती। तुमको एबे नुआ दुनिया नुआ घर को जीवा को एबो। तेणु जो मैंने इठारे भल भाव पाठ पढ़ुंती से ही माने ही नुआ दुनिया को जीवे। बाबा हेउछंती बेहदर अर्थात सारा दुनिया रा मालिक, सब आत्मा मानकर पिता बाबा को ही मालिक कह जाए। यह ही हेउछि पाठ पढ़ा। यह उपरे कौनसी संशय अथवा प्रश्न उठी पारिब नाही। एथिरे कौनसी शास्त्रवाद करिवार आवश्यकता नाही। यही एकमात्र शिक्षक ही सब उच्च अटंती। से ही बस पाठ पढ़ाऊंटी से ही सत्य अटंती। से ही सत्यनारायण सत्य कथा शिक्षा रूप से शुणाऊंटी। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह बरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानको नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। निजरा सब हिसाब किताब को चुप्त करे निरवतार दुनिया को जीवार प्रस्तुति करिबा को हेबो। जोग बल आधारे आत्मा को संपूर्ण पवित्र करिबा को हेबो। दुई नंबर ज्ञान सागरंकर ज्ञान को स्वरूप रे आनिबा को हेबो। विचार सागर मंथन करे निज जीवन निष्पत्ति निजे ही करिबा को हेबो। जीवन मुक्ति रे श्रेष्ठ पद प्राप्त करिया पई दैवी गुण धारण करिबा को हेबो। वरदान बाबांक संगे रही रही तांक समान हेउथिबा सब प्रकार आकर्षण रो प्रभाव रो मुक्त भव। जेउठी बाबांकर स्मृति रहिछि अर्थात बाबांकर संग रहिछि सेठार देह अपमान उत्पत्ति होइ परिबो नाही। बाबांकर संगरे बा निकट रहुथिबा आत्मा माने दुनिया रे विकारी वातावरण बा आकर्षणमय प्रभाव रो दूरै रहिथांती। एभले साथे रहुथिबा आत्मा माने साथे रही रही बाबांक समान होइ जांती। जेपरी बाबा उच्चर उच्च अटंती सेहीपरी पिलामानंकर स्थिति मध्य उच्चर उच्च होइथाय जहाकि दुनियार कौनसी कथा सेमानंकु प्रभावित करिपारिबो नाही। स्लोगन जदि मन एवं बुद्धि निजर आयतरे थिबो तेबे अशरीर हेबा सहज होइजिबो। अच्छा ओम शांति।